लो बताओ, मैं तो आ नहीं रही थी, दो बार देख ली थी, फिर मैंने कहा चलो घर बैठे क्या करेंगे। टोनी बिल्कुल आप पर गया है, वही नाक वही आंखें। यहाँ टोनी आपके संग है, कहीं बाजार में मिल जाती तो मैं फौरन पहचान लेती आप टोनी की मम्मी है। कितने दिनों से टोनी से कह रही हूँ, चल टोनी अपने लोगों से पहचान करा दे, ब्याह कभी भी खाने पर ये तो हम चले आते तुम्हारे यहाँ। क्यों टोनी, कहा था ना मैंने तुमसे। हाँ मम्मी, आप हैं मिसेस परेरा, ये उनकी लड़की नैंसी, ये उसका छोटा भाई सारी, मेरी मम्मी। हेलो आंटी। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने कितनी बार पूछा कैसी है तुम्हारी मम्मी, लेकिन इतनी अच्छी निकली टोनी की मम्मी। ऐसी कोई बात नहीं है मिसेस परेरा, मैंने कई बार कहा टोनी तुम हमारी नैंसी को अपने मम्मी डैडी से क्यों नहीं मुलाकात कराते। एक माँ को इतना जानने का हक है कि उसका बेटा किस लड़की के साथ शादी की बात सोच रहा है ना मिसेस परेरा। मैंने कहा तुम्हें क्या शर्म आती है नैंसी को अपने मम्मी डैडी से मिलाते। क्यों टोनी, मैंने कहा था ना तुमसे हमारी नैंसी जैसी भी है सबों के सामने, हमें क्या छुपाना है, हम तो यही जानते हैं हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। कितने लड़के चाहते हैं नैंसी से शादी करना, लेकिन मैंने साफ कह दिया इसको, तू टोनी से शादी करना चाहती है टोनी से कर, हम माँ बाप है, जो बेटी चाहेगी वही करेगी। मामा मुझे कुछ ज्यादा ही चाहती है। इसके बाद मत सुनो मिसेस ब्रिगेंजा, ये तो हमेशा ऐसे ही है। ये 420 जीनी का कमरा और ये 302 तुम्हारा, ये देखो। वाह, वो देखो वो दाढ़ी है ना, इसी से लड़के को आइडिया आएगा साधु बनने का। उधर लड़की लड़के को पहचानेगी नहीं, समझे कि कोई साधु है। रहने दीजिए, मैं देख ही रही हूँ क्या हो रहा है। अरे अरे, क्यों रोक रही हैं आपने, मुझे पहले मालूम होता तो इनके पास जाकर मैं खुद ही कहानी सुन लेता, यहाँ आकर पैसे तो बर्बाद न करता। और जब साधु दाढ़ी निकाल लेता है और लड़की पहचान लेती है तो आप प्लीज वरना मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तुम कुछ गलत बताया मैंने, तुम बस चुप रहो, हजार बार कहे ज्यादा मत बोला करो। मैं मर भी मर जाऊंगी, एक ही कमरे में रात गुजारूंगी। अब हमें अजनबी से खबर मिलेगी कि हमारा बेटा कहाँ और क्या कर रहा है। ये कोई वक्त है ये सब पूछने का, कितने दिनों से चल रहा है ये सब। प्लीज मम्मी, बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तो चुप रहो। मैं अब घर जा रही हूँ। प्लीज मम्मी, तुम बैठो यहाँ मजे उड़ाओ कुछ भी करो, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। ये लोग क्या सोचेंगे मम्मी। हाँ हाँ, तुम्हें तो एनी की लगी हुई है ना। ये मेरी बेटी छोड़ के बाकी नानी चाची दादी। जरूर तबीयत खराब हो गई होगी टोनी की मम्मी की, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, तुम यही बैठो। मम्मी प्लीज, एक दिन तो सब बता ही देता मैं, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है। मैं क्या कोई बच्चा हूँ। बच्चा हूँ, ऐसा क्या अक्लमंदी का काम किया है तुमने, देखिए तुम्हारे प्यार का नमूना। मम्मी प्लीज, नैंसी बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, तो सब कुछ पक्का भी कर चुके हो, अपने मामी और डैडी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी शादी में तो हमें बुलाओगे या उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। ओहो मम्मी, हर चीज की हद होती है। अच्छा ठीक है, चलो घर चलो। अरे फिल्म अच्छी नहीं थी क्या, जल्दी आ गए। वहाँ तो फिल्म से भी अच्छी चीज थी, वहाँ पर हमें हमारे टोनी की होने वाली बहू और सास से मुलाकात करने का मौका मिला। अच्छा, कैसी है हमारी बहू। और तुमसे नहीं कहा हजार बार मम्मा ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा मत बोला करो, लेकिन नहीं, जबान रुकती ही नहीं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उठकर चली गई, क्या जरूरत थी उसे इतनी बातें करने की, वो तो तुमसे कुछ नहीं कह रही थी। अरे वाह, टोनी की मम्मी है और वो भी पहली बार मिली है, उससे बातें नहीं करूंगी तो क्या तुमसे करूंगी। मम्मी ठीक कह रही है, तुम्हें किसी से बातें करने की जरूरत नहीं, टोनी की मम्मी होगी तो अपने घर पर, और हमारा अपमान करते चले जाना कहाँ की शराफत है। पता नहीं क्यों चली गई, मैंने तो जो कुछ कहा है तेरी भलाई के लिए कहा। मम्मा प्लीज, तुम मेरी भलाई करना छोड़ दो। मम्मी नैंसी ठीक कह रही है,
तू चुप भी रहेगा क्या? तू कल जब टोनी से मिलेगी तो मैं नहीं मिलती उसे। पूछ तो ले एक बार क्या बात हो गई। मैं किसी कुछ नहीं पूछती। ये कोई खानदान है? गले पड़कर अपनी लड़की को हमारे मत्थे मर रही है। मालूम है लड़का बेवकूफ है, फंसा लो इसे। मैं बेवकूफ हूँ? बेवकूफ नहीं तो और क्या हो? कोई ऐसे खानदान से मिलजुल बढ़ाता है? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। सारा वक्त बस बर्बाद बर्बाद बर्बाद। नहीं मम्मी, बातें जरूर ज्यादा करती है लेकिन अब... क्यों करती है बातें ज्यादा है? क्यों करती है, ये भी कभी सोचा है? इसमें सोचने की क्या बात है? है, यही तो तुम्हें नहीं मालूम। पेट में थोड़ी भी तालीम होती तो चुपचाप रहती। ऐसे खानदान से मिलजुल बढ़ाया जा रहा है और वो भी चोरी छुपे। अरे तुम्हें शादी करनी है तो हमसे कहो, एक से एक अच्छी लड़कियों की लाइन लगवा देंगे। लेकिन मैंने कब कहा मुझे शादी करनी है? तो फिर वहाँ क्यों जाता है उस लड़की से मिलने? अरे वाह, जान पहचान है, जाते हैं। क्यों जान पहचान है? क्यों और एक शादी शादी बड़बड़ा रही है? मुझे क्या मालूम? कोई खानदान हो, कोई अच्छा घरबार हो, कुछ तमीज हो। नाउ जस्ट अ मिनट, उस घर में ऐसी कोई कमी नहीं है मम्मी। उस घर का नाम मत लेना मेरे सामने कभी। ओहो मम्मी, मैं तो तंग आ गया। हाँ हाँ, तुम तो तंग आओगे ही, तुम्हारे भले की जो सोच रहे हैं हम। ओ मम्मी प्लीज फॉर गॉड से मेरे भले की मुझे सोचने दो, तुम परेशान ना हो। गलती तुम्हारी मम्मी की है और तुम ही मुंह मोड़ रही हो। नहीं बात करना तो मत करो, यहाँ कौन परवाह करता है। अच्छा, खुद बदतमीजी करके सिनेमा हॉल चले गए और यहाँ ऐंठ दिखा रहे हो? नहीं देखना है तो ना देखो, यहाँ तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। जाना मिल ले एक बार, मिलने में क्या हर्ज है? नहीं आखिर क्यों? गलती उसकी है और उसके मामा की, हम क्यों जाएं उनकी खुशामद करने? अच्छा बेटा ठीक है, तुम मत जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। नहीं अंकल, मैं कह देती हूँ बहुत बुरा होगा। नाराज नहीं होते नैन्सी, आखिर कुछ रास्ता भी तो निकालना चाहिए बेटी। रास्ता है, हम दोनों समझेंगे कि कोई किसी को नहीं जानता। लेकिन ट्रेन में तो जरूर मुलाकात होगी। नहीं होगी, मैं कल से 9:10 की गाड़ी से ही नहीं जाऊंगी। गुड मॉर्निंग नैन्सी। गुड मॉर्निंग। आज अकेले जा रही हो? हाँ। मैं पहुंचा दूं स्टेशन तक? नहीं, मैं चली जाऊंगी। प्लीज नैन्सी, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। नो इट्स ऑलराइट, मैं चली जाऊंगी। अच्छा हेनरी, मैं जाती हूँ। तुम्हें अब लोकल ट्रेन से सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अभी तो 10 दिन बाकी होंगे पास के, हार क्यों दिया? तुम्हारा पास है क्या? चुप रहो, तुम बस से जाया करो, अब तो तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ गई है। और कुछ पैसा चाहिए तुम उससे ले लेना, उस लड़की से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। दिलो 20 रुपए, दूसरा पाल बनवा लेना। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही
जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, नए फूल कल तिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेजल। हेलो आंटी। हेलो नैंसी। हेलो। अरे हेजल, इतनी सुबह सुबह? अरे सुबह न आती तो नैंसी निकलना चाहती। अरे बैठ, तू भी कुछ खा ले। अपनी गाड़ी से आई है? नहीं 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 मेरी शादी होने वाली है 28 तारीख को। अच्छा, जरूर आना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। वो टोपाज़ की अंगूठी वाली लड़के से